सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो टेकी आर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे सस्ते 5G फोन के बारे में, जो कि अभी बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है। आप उसे इजीली परचेज कर सकते हो। और ये फ़ोन कौन सा होने वाला है आगे बताते हैं आपको इस वीडियो में। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मार्केट में ये सबसे सस्ता 5G फोन होने वाला है ओप्पो के छोटे भाई रियलमी, फिर रियलमी के छोटे भाई नार्जो की तरफ से। जी हाँ गाइज, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नार्जो 30 सीरीज़ की। अब इसमें आपको तीन फ़ोन देखने को मिलने वाले हैं, नार्जो 30A, नार्जो 30 एंड नार्जो 30 प्रो, जिसमें से नार्जो 30 प्रो आपको 5G में देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी नार्जो का ये पोस्टर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप नार्जो 30A एंड 30 प्रो को एडवर्टाइज में आप देख सकते हो। मे बी नार्जो 30 को ये बाद में थोड़ा रिलीज़ करेंगे, फिलहाल नार्जो 30A एंड 30 प्रो की फुल स्पेक्स आ चुकी हैं, जो मैं आपको अभी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आगे हम आपको बताएंगे कि ये क्या ये फ़ोन वर्थ करता है या नहीं। सो शुरू करते इस वीडियो को और बताते हैं आपको। पहले हम गाइस शुरू कर लेते हैं नार्जो 30A से। अब नार्जो 30A में मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं। इसमें आपको 3GB की रैम मिलेगी, 32GB का इंटरनल मेमोरी होने वाला है, 6000mAh का एक बड़ा बैटरी बैकअप आपको मिलने वाला है, बैक साइड पे फिंगरप्रिंट होगा और बैक साइड पे ही आपको ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आप पोस्टर में भी देख सकते थे। और जैसा इसकी बैक लुक गाइस आपको रियलमी के सी सीरीज़ की तरह देखने को मिलने वाली है, बैक बॉडी बिल्कुल इसकी वैसी होने वाली है। फ्रंट साइड पर आपको एक वाटरड्रॉप डिस्प्ले में आपको एक कैमरा मिलेगा 8MP का, और बैक साइड पे आपको ड्यूल रियर कैमरा मिलने वाला है 13+2MP का। मतलब कुछ ऐसा एक्साइटेड इसमें नहीं है, मेन हमारा फोकस रहने वाला है रियलमी नार्जो 30 प्रो के ऊपर। अब इसमें हमें 5G का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, डायमेंसिटी 800U का आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा, काफ़ी एक बढ़िया प्रोसेसर है। हमें रियलमी X7 में पहले ही प्रोसेसर देखने को मिल चुका है, कोई आपको प्रोसेसर से कंप्लेंट नहीं रहने वाली है। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको रिफ्रेश रेट मिलता है 120 हर्ट्ज़ का, काफ़ी बेटर है, आपको स्मूथ एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है इस डिस्प्ले में। उसके बाद गाइज हम बात करें इसके कैमरा की, तो आपको फ्रंट में सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलने वाला है 16MP का, और बैक साइड पे ट्रिपल रियर कैमरा होने वाला है, जिसमें हमारा प्राइमरी सेंसर होगा 48MP का, उसके बाद 8MP का वाइड एंगल कैमरा एंड देन 2MP का एक माइक्रो कैमरा। फिंगरप्रिंट की बात करें, आपको इसमें साइड रियर फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है, साइड पर आपका इसका फिंगरप्रिंट होगा, फेस अनलॉकिंग के साथ आएगा। बैटरी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो 5000mAh की बैटरी मिलेगी विद 30W का फास्ट चार्जर आपको इसमें मिलने वाला है। मतलब ओवरऑल स्पेक्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी है, बट जो इसका मेजर हाईलाइट होने वाला है वो है इसका 5G प्रोसेसर। जी हाँ गाइस, अब तक के जो हमें लीक्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये 5G फ़ोन नियर अबाउट 15,000 की रेंज में आने वाला है। अब बात करते हैं क्या ये चीज़ 15,000 में वर्थ करती है। 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज बेस्ट है, बट 15,000 में अगर गाइस हमें ये फ़ोन मिलता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया डील रहने वाली है। बट अगर इसका प्राइस 17,000 या 18,000 तक जाता है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000, अगर ये 17 या 18,000 तक जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमें X7 की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमें एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, उसमें हमें बैटरी बैकअप गाइस देखने को मिलता है 4300mAh का, और उसमें बट हमें चार्जर मिल जाता है 50W का। मतलब चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है कंपैरिजन नार्जो 30 प्रो के। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग में अपनी पर्सनली सजेशन दूँ तो रिफ्रेश रेट से ज़्यादा मुझे एमोलेड डिस्प्ले बेटर लगती है, क्योंकि गाइज तो जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा आपकी बैटरी भी वो उतनी ही ज़्यादा लेगा। सेकेंड थिंग, हमें एमोलेड डिस्प्ले में कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी बेटर देखने को मिलता है, डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बेटर होती है, प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको उसमें मिल जाएगा। प्रोसेसर दोनों में सेम ही रहने वाला है, मतलब दोनों में ही आपको डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। सेकंड थिंग, दोनों के आपको फ्रंट कैमरा भी 16MP का मिलेगा, बट यहाँ पर नार्जो में बैक कैमरा आपको 48MP का मिलता है और X7 में आपको 64MP का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, अगेन एक प्लस पॉइंट है। सो गाइज, अगर आपका बजट 16, 17, 18,000 की रेंज में है
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप X7 की तरफ ज़्यादा जा सकते हो। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या ज़्यादा चीज़ पसंद आती है, मतलब आपको हायर रिफ्रेश रेट चाहिए या फिर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, फिंगरप्रिंट साइड वाला आपको अच्छा लगता है या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यूज़ करना आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो वो आपके सजेशंस हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको जैसे भी कौन सा भी फ़ोन सा अच्छा लगता है, आप कौन से फ़ोन परचेज़ करना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। बट अगर यहाँ पर मेरे से पूछा जाए तो मैं पहले तो प्रेफरेंस दूंगा नार्जो को ही प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर वो 15,000 तक की रेंज में आता है, 16 तक भी आता है तो एक बेटर ऑप्शन है। बट अगर 17 या 18,000 तक उसका प्राइस जाता है फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा X7। सो अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है, अभी इवन 24 को ये लॉन्च हो ही जाएगा फ़ोन, प्राइस इसका सामने आ जाएगा। अब गाइज एक बात ये भी है कि इन्होंने यहाँ पर 30A को मेंशन कर दिया, 30 प्रो को भी मेंशन कर दिया, बट नार्जो 30 की यहाँ पर अभी कोई बात नहीं हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो फ़ोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और कब तक आता है। आएगा थोड़ा सा वेट लेने के बाद वो भी फ़ोन आएगा, बट देखना ये होगा कि हमें उसमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है, क्या वो 5G होगा या नहीं होगा, ये सभी चीज़ें भी बाद में हमें पता चल ही जाएंगी। सो गाइज आज की वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही और बढ़िया वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको इस चैनल पर नार्जो 30 प्रो की एक अनबॉक्सिंग भी दे दूं। सो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज, बहुत ज़रूरी है। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।